एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता, दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो जा करके अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और एंड में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं जिसमें मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूं वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था, उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे, सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं उसके आगे। और फिर उसके अंदर से यह ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास में है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने कि उस सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का, और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं और अब मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया। अब फिर उसे यह समझ आया कि ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं लेकिन हवा को नहीं रोक सकते, ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन करके, तूफान बन करके, जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को वो इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं क्योंकि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और सामने शीशा था, उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूं।